दिलिंग से प्रेम कथा फेल हो गई, हथियारों की तो अगले दिन ही बेल हो गई। अरबों का माल लूट के वो उड़ गए विदेश, अरबों का माल लूट के वो उड़ गए विदेश। कुछ मुर्गी चोरों को यहाँ पे जेल हो गई, कुछ मुर्गी चोर। अरे मोदी जी ने एक बात कही कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो विजय माल्या और नीरव मोदी अपना माल पैक करा के निकल पड़े। ये चीजें हैं साहब, चीजें हैं। और वो मुस्कुराई तो मेरा दिल झनझनाया था, वो मुस्कुराई तो मेरा दिल झनझनाया था। उसने मिलाया हाथ ना दस दिन ना आया था, सच्ची बात है। उसने मिलाया हाथ ना दस दिन ना आया था। वो प्यार से भैया मुझे कह के निकल गई, वो प्यार से भैया मुझे कह के निकल गई। कल टैटू जिसके नाम का मैंने बनाया था, कल टैटू जिसके। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप सुबह सुबह उठिए तो कहीं जो है आपको ईमेल मिलेंगी और फेसबुक पर कई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई मिलती है, बड़ी खूबसूरत महिलाओं की, पता नहीं वो फोटोशॉप होती है या पता नहीं कहाँ कौन से लोग से होती है, ऐसी ऐसी जो है मिलती है, उसकी देखिए क्या होती है। सुंदर छवि को देख दिल कभी का धड़का है, सुंदर छवि को देख दिल कभी का धड़का है। मैसेज हुए हसीन तो जज्बात भड़का है, मैसेज हुए हसीन तो जज्बात भड़का है। चैटिंग करी महीने तीन फिर पता लगा, चैटिंग करी महीने तीन फिर पता लगा। करीना ना थी वो कमीना एक लड़का है, करीना ना थी वो। अभी डॉक्टर सुरेश अवस्थी इनका बेटा आ गया, बोला पापा पापा मैंने फेसबुक पर लड़कियों के नाम से 5 फर्जी अकाउंट बनाए हैं, फेसबुक पर लड़कियों के नाम से 5 फर्जी अकाउंट बनाए हैं। तो बोले मुझे क्यों बता रहा है, तो मुझे 4 पर आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई है। फिर उस तम के लिए कर दो तालियां बजा दीजिए, इन तालियां इस बात में भी आप बजाइए कि सरदार मंजीत से जब गा रहे थे आप क्या महसूस कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे लता मंगेशकर गा रहा है। हाँ तो लता मंगेशकर तो वहां चलेंगे, अब तू भी मेरे को भेज दे। हाँ देखिए साहब, एक रचना देखिए आप, व्यंग देखिए। ग्राहक ने 500 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाया, ग्राहक ने 500 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाया, दुकानदार ने जांचा परखा और नकली कहके वापस लौटाया। तो ग्राहक बोला ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, असली है, बिल्कुल धांसू है। दुकानदार बोला आरबीआई और धागा तो ठीक है लेकिन इस नोट में गांधी जी की आंखों में आंसू है, लेकिन इस नोट में गांधी जी की आंखों में आंसू है। तो ग्राहक बोला तुम ठीक कहते हो, तुम ठीक कह रहे हो, प्रजातंत्र के आकाश में काले बादल घिर रहे हैं, प्रजातंत्र के आकाश में काले बादल घिर रहे हैं। ये नोट मुझे वोट देने के बदले में मिला है, शायद इसीलिए गांधी जी की आंखों से आंसू आ रहे हैं। देखिए साहब, मेरी मातृभाषा पंजाबी है, मैंने एमए अंग्रेजी में किया, अंग्रेजी पढ़ाई, लेकिन मेरे लिखने की भाषा मेरी हिंदी भाषा है, मेरी कविता की भाषा हिंदी भाषा है। जब कोई गैर हिंदी भाषी हिंदी में बात करता है, चाहे वो जॉर्ज साहब, चाहे कृष्णन जी हों, इधर मैथ्यूज जी हों, तो बहुत अच्छा लगता है, मन गर्व से खुशी महसूस करता है। अब जैसे हमारे मोदी जी जब भी कहीं जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में जाए चाहे कहीं भी जाए, वो हिंदी में बात करते हैं। उन्होंने बताया हिंदी उन्होंने सीखी कैसे। प्रियंका जी आपने पढ़ा होगा, उन्होंने सुना होगा, उन्होंने बताया कि मैं चाय बेचते बेचते हिंदी सीख गया, मैं चाय बेचते बेचते हिंदी सीख गया। भाई इसमें क्या खास बात है, आधा पंजाब दारू पी पी अंग्रेजी सीख गया। और जिसको एतबार ना हो भगवंत मान से पूछ लो। अरे 2014 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उनके कार्यकर्ताओं ने चाय पिलाई फ्री में।